आपसे कोई ये कहे कि शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाते हो, वेस्टेज होता है, वेस्टेज नहीं होता, वेस्टेज नहीं होता, पहले भी नहीं होता था और आगे भी नहीं होगा। वेस्टेज क्यों नहीं होता? एक तो पहले दूध दही और इस सब की भरमार हमारे यहाँ पर्याप्त थी, हमारे यहाँ गाय को काट कर खाने वाले लोग नहीं थे, इसलिए हमारे यहाँ भर भर बाल्टी दूध होता था। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मंदिरों में पहले क्या व्यवस्था होती थी कि या तो जो दूध दही है वो पवित्र नदी में जाता है, नाली वगैरह में तो आज भी नहीं जाता। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था ये थी मंदिरों में कि शिवलिंग पर जब दूध चढ़ता था तो उस चढ़ाए हुए दूध को जलेरी से निकलने वाले स्थान से एक पात्र में ले लिया जाता था। जब वो पात्र में आ जाता था, चूँकि शिवलिंग पर जो चढ़ जाता है उस पर चंड का अधिकार होता है, इसीलिए उसे सालिग्राम भगवान से स्पर्श करा के या तो भक्तों में वैसे बांट दिया जाता था अथवा उसकी खीर बनाकर हरि भक्तों में बांट दी जाती थी। ऐसी परंपरा होती थी, इसीलिए शिवालय में पूजा जब आप करते हो और कोई आपको इस प्रकार कहता है तो अपनी आंखें नीची करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस सत्य को समझना होगा कि हम शिवलिंग पर कुछ चीज़ चढ़ाते हैं तो क्यों चढ़ाते हैं, उससे क्या हो रहा है, इस बात को आपको समझना होगा।